अरे मेरे देख आओ ना, जय माता रानी, जय माता रानी। कृतिका मुझे पकड़ो। मंदिर खुला रहता है दोस्तों, लेकिन साल के दो दिन बहुत ही खास रहते हैं, आज और कल। तो आज और कल बहुत ही खास मौके पर हमने सोचा माता के दर्शन किए जाए और माता से आशीर्वाद लिया जाए। मेरे पीछे आप लोग ब्यूटी देख रहे होंगे गोपेश्वर की, उत्तराखंड की, हमारी देवभूमि की। आपको जगह जगह आपको ऐसी ब्यूटी देखने को मिलेगी। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने मंदिर में जाना है। मैं भी पहली बार जा रही हूँ, मेरे दोस्त शायद पहले गए हैं, कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग पहली बार जा रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ और मैं देखूंगी। मैंने बहुत सुनी है वहाँ उस मंदिर के बारे की, जो के बारे में जो मान्यता है वहाँ, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। देखते हैं वहाँ पे जाके मुझे कैसी फीलिंग आती है, कैसी वाइब्स आती है। और ये है स्पेशल गुलाब, माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए लाई हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और ये भैया जो हमें लेके जा रहे हैं, हेलो भैया जी, हमको लेके जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको पूरा रूट दिखाने वाली हूँ। देखो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे निकले, अंधेरा था, इस वजह से मैं आप लोग को जहाँ से हमने स्टार्ट किया नहीं दिखा पाई, क्योंकि कहीं पे लाइटिंग्स हैं, कहीं पे नहीं है। अब जाके थोड़ा सा उजाला हुआ है, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 7 बज रहा है, तो मैंने सोचा स्टार्ट किया जाए वीडियो को और दिखाती हूँ फिर मैं आप लोगों को आगे माता अनुसुईया मंदिर में हम लोग जब पहुंचेंगे या मंदिर में पहुंचेंगे, फिर उसके ऊपर अगर हम अत्र मुनि आश्रम भी जा पाए तो वहां का वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये कौन सा गांव है? देवलधार। देवलधार, तो ये है देवलधार। इतनी खूबसूरती है देखिए इस गांव में, जगह जगह संतरे के पेड़ भी दिखाई देंगे दोस्तों। ये संतरों का सीजन है तो आपको हर जगह यहाँ संतरे के पेड़ दिखाई देंगे, ऑरेंजेस। दस पंद्रह मिनट में हम लोग अपने स्थान पर पहुंचने वाले हैं। वाओ, नहीं रे नहीं, अभी रुको बताती हूँ। हम पहुंच गए टाइम से। यहाँ ये जगह कौन सी है? अच्छा मंडल। तो दोस्तों मंडल हम लोग पहुंच गए हैं और सुबह से किसी ने भी चाय पानी नहीं पिया था, नहा धो के आए हैं सब अपने घर से, तो हमने सोचा हम पहले चाय पी लेते हैं। क्यों भाई, पी लेते हैं चाय और फिर उसके बाद चढ़ेंगे चढ़ाई से। तो ये है मंदिर का खूबसूरत सा गेट और यहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करनी है। 6 किलोमीटर के लगभग यहाँ से हमने पैदल यात्रा पार करनी है दोस्तों। और ये है, हम लोग सब लोग प्रसाद ले रहे हैं पहले, हमें नहीं पता ऊपर दुकानें हैं या नहीं है क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। तो आराम से आपको भी यहाँ पे मंडल में ही
बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, और हम लोग भी यहीं से प्रसाद लेकर ऊपर को चलेंगे। और ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं, अच्छा खासा एक छोटा सा मार्केट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब प्रस्थान कर चुके हैं, पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं, और देखते हैं कितनी देर में हम अनुसुईया माता मंदिर में पहुंचने वाले हैं। तब तक मैं आपको यहाँ का रूट दिखाती हूँ। हेलो मिश्री, हाँ बहुत ठंडा हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि दिसंबर का महीना है और बहुत ही ठंडा हो रहा है। हम लोग बुरी तरह से पैक हो रखे हैं, बट यहाँ की ब्यूटी और खूबसूरती सारी ठंड बुला रही है। ये देखिए कितना पैक हो रखे हैं सब लोग, सबसे ज्यादा पैक हो रखे। हाँ लेकिन आस्था के आगे क्या कह रही हो विनीतिका मैडम? हाँ बिल्कुल, आस्था के आगे मुसीबतें भी घुटने टेक देती हैं, और अच्छा लगता है जब थोड़ा सा कष्ट करके भगवान के दर्शन किए जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये रास्ता बहुत खूबसूरत है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसी तरह प्राकृतिक सुंदरता दिखाऊं, कोई एडिट ना करूं। कोई बात नहीं, और क्या। ये दोस्तों इंग्लिश डिपार्टमेंट भागते हुए आ रहा है, बायो डिपार्टमेंट पीछे से, कॉमर्स डिपार्टमेंट, SST डिपार्टमेंट। हम सब के सवाज जा रहे हैं अनुसुईया माता मंदिर। बहुत ठंडा हो रहा है दोस्तों उत्तराखंड में। हाँ उत्तराखंड में हर मौसम देखने लायक होता है, यहाँ की खूबसूरती अपने आप निखर के आती है। और वही हाल जाड़ों में है, दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए ताकि आप लोग यहाँ की खूबसूरती देख पाए। क्योंकि मेरे को ना नेचर पता नहीं कि बहुत पसंद आने लगा है, मैं चाहती हूँ आप लोग को भी पसंद आ रहा, आप लोग एक बार जरूर आए अपनी लाइफ में उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़नी ओढ़ के वादियां गीत सुनाए मेरे उत्तराखंड में। तो आइए उत्तराखंड, सुन पहाड़ों का हो साहेबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना है, बारों महीने यहाँ जाड़ों का, सच में हाय देसी किधर से आए आते। ये देखिए आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, एकदम नेचुरल साउंड है, किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं है यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। वाओ, और ऊपर बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई है, कई जगहों पे हमारे उत्तराखंड में बर्फ भी पड़ गई है दोस्तों। कल कल करती हुई नदियां झूठे हैं। ओह दोस्तों, ये हमारे रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी है जिसको अमृत गंगा कहा जाता है, और इसकी आवाज़ के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। और मैंने कहा था कि मैं प्राकृतिक रूप से पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि नेचुरल ब्यूटी को उसी रूप में दिखाऊं जिस रूप में मैंने इसे देखा है। और रास्ते में हमें मतलब ये पूरा जो रास्ता दिख रहा है मुझे, ये पूरा जंगल वाला रास्ता है, बहुत टाइप के पेड़ पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं, प्रकृति का एक अलग ही रूप मैंने यहाँ पर देखा है। और डिफरेंट टाइप के पेड़ दिख रहे हैं जिसमें से मेरी फ्रेंड्स मुझे काफ़ी नॉलेज दे रहे हैं कि कौन सा पेड़ किस तरह का है, क्या है उसकी डिटेल्स, जिसको जो पता है मैं भी आपको बताऊंगी। भीमल का पेड़ है और इसे कहते हैं क्या भाषा में, इसे ये वाला है भीमल का पेड़ बनता है जिसे रसिया। अच्छा ओके, तो दोस्तों ये देखिए, ये है पेड़ भीमल का, और इससे क्या बोलते हैं उसको, श्योलू,
ये गढ़वाई में हम श्योल को ना, और उससे जो है रस्सी बनाई जाती है, रस्सियां जो कंडियों पे लगाई जाती है, मोटी मोटी रस्सियां। तिमले का पेड़। अच्छा, ये बड़ा वाला जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं। ओके, तो ये है प्रजाति का पेड़ है। किस चीज का है, किस चीज का? प्रजाति का पेड़ है, गुलर है ये। गुलर कहते हैं दोस्तों। आपने तिमला एक पहाड़ी फ्रूट देखा होगा, उसी तरह का एक गुलर भी होता है जो अंजीर होता है, अंजीर। हाँ, उसी की प्रजाति का एक पेड़ है ये। और इसके पत्तों का यूज खाने में, प्रसाद लेने में यूज किया जाता है। और हमारे गढ़वाल में इसके पत्तों को यूज के बताओ बताओ विनीतिका, तुम बताओ। पत्तों का यूज एक तो तारा पत्ती के काम आता है, दूसरा इसको प्रसाद स्वरूप इसमें प्रसाद दिया जाता है। विष्टु, अच्छा ओके। ये हमारी बायो की मैडम है, इसलिए इनको सारी जानकारी है। आज इंग्लिश बायो कॉमर्स सब मिक्स हो रखे हैं हम। इसको अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, ये देखो हम काफी दूर आ गए हैं पैदल चलते चलते। तू आगे चले जा, जा। पैदल चलते चलते काफी दूर आ गए। हाँ, ये बेचारी, हम तो नहीं उतार रहे अभी। वीडियोस देखो, पीछे की ब्यूटी देखो दोस्तों। मन हो रहा है कि यही रह जाओ। विनीतिका, हाय कर लो वहीं से। तो दोस्तों, पैदल यात्रा करते हुए ये दिखी है हमें एक छोटी सी प्यारी सी दुकान, जो कि एक चाय की टपरी टाइप है, और काफ़ी लोग इसमें बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं कुछ देर के लिए, और लोकल फूड आइटम्स भी यहाँ पर है। सती माता अनुसुईया देवी 2 किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी पैदल यात्रा का 2 किलोमीटर सफ़र रह गया है, और बाकी के 4 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब 2 किलोमीटर भी हम लोगों ने कवर करना है, और रास्ता बहुत खूबसूरत है, मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। तो जब कंपनी अच्छी हो और रास्ता इतना खूबसूरत हो तो फिर मज़ा आता है सफ़र करने में। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे से इतना सारा सामान, क्योंकि काफ़ी हाइट में है ये जो मंदिर है, तो व्यवस्था है नहीं गाड़ी वगैरह की, तो इस तरह से सामान की ढुलाई भी की जाती है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आज कल के लिए और टाइम के लिए भी, इस तरह से यहाँ पर सामान को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन यहाँ पर इस रास्ते में जगह जगह पर इस तरह के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर क्षेत्र के ही लोगों के द्वारा सेवा के रूप में चाय, बिस्किट, टॉफ़ी, गुड़ ऑफर किया जा रहा है, और हम लोग भी रुके हुए हैं, पी रहे हैं। ये हीरोइन, ये अभी उसकी तरह लग रही है, क्या नाम है वो, कौन सी वो ब्यूटीशियन कौन सी है वो? अरे यार, क्या नाम है उसका, बाल खुले रहते हैं उसके, शहनाज, शहनाज लग रही है ये। तो चलो, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होगी और चाय भी पी ली, अब चलते हैं फिर से आगे। भैया क्या कर रहे हैं आप लोग, पकौड़े बना रहे क्या? अच्छा, तो देखिए दोस्तों, एक और छोटा सा स्पॉट है यहाँ पे। मैंने कहा ना आपको कि वर्ष भर वैसे ये मंदिर खुला रहता है, लेकिन साल के 2 दिन जो कि बहुत ही ख़ास होते हैं, तो ऐसे में इन 2 दिन आपको जगह जगह पर इस तरह की छोटी छोटी प्यारी सी खूबसूरत सी दुकान या फिर स्पॉट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं, या ज़रूरत की जो भी चीज़ें सफ़र में आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए खाना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, जैसे मूंगफली, गुड़, आपके लड्डू, चौलाई के लड्डू एंड पकौड़े। तो चलते हैं आगे। कितना खूबसूरत रास्ता है दोस्तों ये। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नेचुरली ब्यूटी आपको पूरा का पूरा दिखाऊँ, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को आपको दिखाऊँ, क्योंकि हमारा उत्तराखंड इसी चीज़ के लिए बहुत फेमस है, इसी चीज़ के लिए यहाँ पर इसको जाना जाता है, कि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की अपने आप में अनूठी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, रास्ता मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं अभी तक जितनी जगह भी गई हूँ उसमें से ये जो रूट है अभी तक वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस में से है। जैसे कि मुझे दिख रहा है, और सामने मैं देख पा रही हूँ कि एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है मुझे। तो आइए देखते हैं किस चीज़ का मंदिर है। अब शायद रास्ता बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है, तो देखते हैं किस चीज़ का मंदिर है ये, कौन से भगवान जी को समर्पित है।
दोस्तों हम लोग बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये है यहाँ पे एक छोटे से गणेश भगवान जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे। और बस थोड़ी दूर है हम माता अनुसुईया मंदिर से। काफ़ी थक गए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल है यहाँ से, चढ़ाई वढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सब बहुत थक गए हैं, सबकी हालत बहुत नाजुक है। ऊपर जाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ वीडियो। दोस्तों बातों बातों में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि वैसे तो ये मंदिर मैं आपको बता चुकी हूँ पूरे साल भर खुला रहता है, आप कभी भी यहाँ पर आकर माता अनुसुईया के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या ख़ास है कि सिर्फ वर्ष में दो दिन ये बहुत ही ख़ास होते हैं इस मंदिर के लिए या हम लोगों के लिए और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? क्यों वर्ष भर में दो दिन ये पूरे साल भर वेट करते हैं कि यहाँ पर माता अनुसुईया मंदिर में आएँ और अपनी अपनी कामनाओं के साथ आएँ? तो इसकी जानकारी भी मैं आपको ज़रूर दूंगी आगे वीडियो में। इससे पहले मैं आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, अभी पहुँचने ही वाले हैं, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट, इसके ऊपर हमने नहीं जाना है, बस यहीं तक जाना है। वाओ कितनी खूबसूरत जगह है यार ये, बीच में एक पतला सा रास्ता बना हुआ है और इसके दोनों साइड जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब दोनों साइड इसके खेत हैं, गाय लोगों के जानवर हैं, गाय भैंस और खेत है, लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। हमारा उत्तराखंड वैसे भी कृषि के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है, तो यहाँ पे भी उसका पूरा का पूरा आपको रूप दिखाई देगा जब भी आप यहाँ पर आएंगे। देखिए ये रास्ते पे मैं चल रही हूँ तो बहुत ही पतला सा रास्ता है और दोनों साइड इसके खेत हैं और यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा मंदिर दिखने लगा है दोस्तों। तो आगे चल के अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाहर से तो मैं वीडियो बना सकती हूँ बट शायद अंदर यहाँ पे इस तरह के काफ़ी मंदिर हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी जो मंदिर हैं अंदर से वर्जित होता है वीडियो या फोटोज़ लेना, तो शायद मैं अंदर का फोटोग्राफ आपको या वीडियो ना दिखा पाऊँ बट बाहर से मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मंदिर के दर्शन करा पाऊँ। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। यीशु पीछे से मेरे बैग में से दुपट्टा निकाल। आगे तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में और ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। तो आइए अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं मंदिर किस तरह से बाहर से दिख रहा है, कितना खूबसूरत सजा हुआ है और अंदर में आप लोग को दिखाती हूँ वीडियो। दोस्तों अभी हो रहा है सुबह के 10:30 और जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया है। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो लोग तो आ ही चुके हैं और जो लोकल लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर इन्होंने आना शुरू कर दिया है, तो धीरे 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 भीड़ बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद इस तरह से ये एक और द्वार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, शटर जहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी और इसकी जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। ऐसे में उन्हें धरती से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, दिव्य प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। ये जो दिव्य प्रकाश था ये माता सती के तप से आ रहा था, क्योंकि माता सती उस टाइम तपस्या कर रही थी तो उसकी वजह से धरती से वो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। ऐसे में उन तीनों ने ही, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने, उनकी परीक्षा लेनी चाही माता अनुसुईया की, और तब कहते हैं कि माता अनुसुईया ने उन्हें अपने तप के बल पर शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। जी हाँ यही कहानी है इस मंदिर की। और उसके बाद जन्म होता है दत्तात्रेय जी का, भगवान दत्तात्रेय जी जो माता अनुसुईया के पुत्र माने जाते हैं। तो यही इसका महत्व है, यही इसकी कथा है दोस्तों। ये इस मंदिर की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष दत्तात्रेय जयंती के दिन
एक तरह का विशेष आयोजन होता है। जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है और संतान प्राप्ति में उनका विलंब हो रहा हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपनी इस कामना को लेकर अगर दत्तात्रेय जयंती के दिन इस मंदिर में आए और माता से अपना आशीर्वाद लें और रात भर इस मंदिर में माता के दर्शन करें, तो उनकी मुराद माता ज़रूर पूरी करती है, यानी कि उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और फेमस है ये मंदिर। तो दोस्तों, अंदर से मैं मंदिर के दर्शन, माता रानी के दर्शन कर चुकी हूँ। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। जय माता रानी। दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। सबके सब नीचे धूप है, मस्त धूप हो रही है। ये लो मैडम, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और इतना मीठा होगा तो मुझे पता नहीं था। माता रानी ने दर्शन दे दिए हैं। हेलो, बोलो भाई, बैठे हैं सब, आराम फरमा रहे हैं। ये एक और नई फ्रेंड है हमारी हल्द्वानी से। आपका नाम क्या है जी? हल्द्वानी वाली मैडम, आपका नाम क्या है? तो ये एक और नई फ्रेंड है हमारी, बबीता जी हल्द्वानी से। हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर चलते हैं अत्रि मुनि आश्रम अमरूद का आनंद लेते हुए। तो दोस्तों, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अभी हो रहा है टाइम 11:15, और यहाँ से हम लोग अब जाएंगे। हाँ, कुछ खाएंगे, बच्चों को भी कुछ खिलाएंगे, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अत्रि मुनि आश्रम। मैंने बहुत सुना है उस आश्रम के बारे में, भी देखती हूँ आज वहाँ की खूबसूरती भी देख के आएंगे, और आप लोगों को मैं वीडियो से दिखाऊंगी, शायद फिर आप लोग भी इंस्पायर होकर आए देखने के लिए। ना अल्मोड़ा देखा है? अच्छा। यहाँ भी पहली बार है, एक दिन 2 घंटे के लिए गए थे उधर भी। वो भी ऐसी दुख में ही गए थे, किसी भी परिवार में। अच्छा, पापा घर जाने का है ही नहीं कोई घर ना। हाँ, मैं तरक गाँव। तो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं अत्रि मुनि आश्रम के लिए। अभी हमने थोड़ा सा चाय पानी का ऐसी हल्का फुल्का नाश्ता किया है, अभी भंडारा लगेगा तो फिर बाद में भंडारा करेंगे। प्रसाद ज़रूर खा के जाएंगे हम यहाँ से, ऐसे ही नहीं जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे माता से, भिखारी है ना। तो अब अत्रि मुनि आश्रम जा रहे हैं। अत्रि मुनि आश्रम का पूरा व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पीछे देखिए, मेरे सारे दोस्त चल रहे हैं मेरे पीछे पीछे। कैसा लग रहा है, चलो बताओ सबके सब थोड़ा थोड़ा। बहुत ही सुंदर, मनोहर। मनोहर क्या दृश्य है, और वादियां है ना। हाँ, लोग भी मनोहर मिल रहे हैं। हाँ, हमारी एक नई फ्रेंड बिल्कुल अभी बनी है यहाँ पर, एक नई दोस्त, मिली है हमें हल्द्वानी से। यार आपका नाम? बबीता जी। बबीता जी, हाँ बबीता जी मिली हैं। और क्या नाम है? पूजा, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, मनमोहक। ओके, और ममता को? मुझे भी अच्छा लग रहा है, बल्ले तो मैं गिर रही हूँ, पर अच्छा लग रहा है। हाँ, चढ़ाई है, थोड़ा सा पैदल यात्रा जरूर है, पर कहते हैं ना कि बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलता है, ऐसे हाथ में पका पकाया कुछ नहीं मिलना। और बिना संघर्ष के भगवान जी ने दर्शन भी कहाँ से देने हैं, यही तो खासियत हमारे देवभूमि उत्तराखंड की, कि कदम कदम पर आपको बहुत अच्छे खासे मंदिर यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनकी बहुत अच्छी मान्यता रहती है, और इसी को देखते हुए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और उन्हीं में से एक है माता अनुसुईया जी का मंदिर। मैंने भी सिर्फ सुना था, बहुत पहली बार मैंने आज देखा, और मतलब मुझे अंदर से जो संतुष्टि मिली है, शांति मिली है, खुशी मिली है, मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। और देखते हैं अत्रि मुनि आश्रम में जाके कैसा लगता है। बोलो। दोस्तों, माता अनुसुईया मंदिर की एक बहुत ही खास बात यह है कि पुत्रदायिनी मंदिर मंदिर है, इसको माना जाता है। आज 25 दिसंबर है, और आज के दिन बोलते हैं कि जो रात भर वर और वधू, यही बोलते हैं ना, श्री और आफ्टर मैरिज, मतलब संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर को बहुत माना जाता है। लोग बहुत दूर दूर से इस कामना को लेकर आते हैं। तो माता उन सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें जो इस कामना के साथ, विश्वास के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। उन सब को भरपूर खुशियाँ दें, और जो जिस इच्छा के साथ वो लोग यहाँ पर आए, उनको सब कुछ मिले। बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, 1.5 किलोमीटर का सफर अनुसुईया माता मंदिर से पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं अत्रि मुनि आश्रम, और आगे शायद रूट टफ है कह रहे हैं, ऐसा मैं तो पहली बार देखूंगी, तो शायद मैं आपको वीडियो
उस तरह से प्रॉपर ना दिखा पाऊँ, पूरी कोशिश करूँगी जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी। और ये है अमृत गंगा जो हम लोगों को नीचे भी मिली थी रास्ते में ना, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे मेरे देख आओ ना, जय माता रानी, कृपया मुझे पकड़ो, माता रानी यार हो गया तुमने। दोस्तों ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एडवेंचर था, मतलब मैं जान हथेली पे रख के देखे इस तरह से इस गुफा से हम लोग बाहर निकले हैं। और आप लोगों को अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस एक बार जरूर करना चाहिए यार, अत्रि मुनि आश्रम आओ और फिर देखो उत्तराखंड के लोगों के हमारी देवभूमि में क्या क्या एडवेंचरस चीज़ें हैं। मज़ा आ गया नहीं है यार। ये देखिए इस तरह से गुफा के अंदर से आ रहे हैं और रूट मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही डेंजरस। ये देखिए ऊपर से इस तरह के वाटरफॉल्स को देखने के लिए लोग ना कितना पैसा खर्च करते हैं, इधर उधर जाते हैं। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड की ये देन है कि नेचर आपको, नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ जगह जगह देखने को मिलेगी। पंडित जी अच्छा ये है यात्री मुनि आश्रम, अच्छा मेन ये है, अच्छा मेन ये है। तो दोस्तों एक टफ रूट को तय करने के बाद अब हमने दर्शन कर लिए हैं अत्रि मुनि आश्रम के। ये है अत्रि मुनि आश्रम जिसको देखने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। तो चलते हैं वापस उसी जगह पर जहाँ से हम लोग आए थे, क्योंकि बाकी के दोस्त वहीं पर हैं और मेरा बेटा भी वहीं पर है। इंद्रधनुष के कलर्स भी आप अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको इसमें इंद्रधनुष के कलर्स भी दिखाई देंगे, रेनबो, क्योंकि मुझे तो दिख रहे हैं साफ रिफ्लेक्शन। वाओ में बहुत टफ है जितना लग रहा है। मैं फोन को जो है अंदर डालती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाय करो, हाय। ये देखो ये चक्राता का टाइगर फॉल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं कितने सैकड़ों टाइगर फॉल झक मारेंगे हमारे इस फॉल पे। अत्रि मुनि आश्रम के दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं, थकान तो काफी लगी है पर आज का दिन बहुत अच्छा गया है, बहुत ही पावन गया है, बहुत ही पवित्र गया। आधा हमने व्रत रखा था, जब तक दर्शन नहीं किए, अब दर्शन करके आ गए हैं, तो अब नीचे भंडारा करेंगे फिर घर जाएंगे। दोस्तों मिष्टी कैसा लगा बेटा आपको? अच्छा। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। और दीपा नहीं, पूजा बहुत अच्छा, पक्का? मैडम जी को क्या कहिए, बहुत। यह है हमारी झांसी की रानी, बहुत ही अच्छा। और यह है हमारी फूल सी नाजुक कली, और पीछे से हमारे दो दोस्त, नए दोस्त आ रहे हैं। ये है मेरा राज बेटा। तो ये है दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर जिनका आज जन्मदिन है, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों। अब हम लोग भंडारा करने के लिए बैठे हुए हैं, सभी लोग काफी लोग हैं, खा के उठते जा रहे हैं। हम लोग भंडारा कर रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। ममता मैडम बैठो, भंडारा खा रहे हैं, भंडारा जलेबी। तो बस अब सब कुछ दर्शन एंड ऑल सब कुछ हो गया है फाइनली, और हम निकल चुके हैं वापस। लगभग हो रहा है टाइम 2:30, दिन के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं फिर से पैदल अपने घर की तरफ जाने के लिए। यानी कि पहले मंडल जाएंगे और मंडल में हमारी गाड़ी है, तो फिर वहां से फिर हम अपने घर गौचर चले जाएंगे। दोस्तों वापसी में आते हुए दोस्तों हमें गांव में माता रानी की डोलियां मिल रही हैं, और कहते हैं यहाँ पे आज के दिन दत्तात्रेय जयंती के दिन ही शाम को माता की 5 डोलियां जाती हैं मंदिर में ऊपर,
और अगले दिन 26 तारीख को, यानी कि इस साल 26 तारीख को, फिर वो शाम को वापस आ जाती हैं। तो उनमें से एक डोली ये है दोस्तों। हम लोग तो वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो अभी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरी रात भर जागरण होना है। और एक और डोली है दोस्तों, देखिए एक और डोली माता की जा रही है ऊपर मंदिर में मिलने। कुछ लोग कहते हैं कि माता की, अनुसुईया माता की 5 बहुएं हैं उनकी डोलियां हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बहनें हैं उनकी डोलियां हैं जो माता से मिलने के लिए जा रही हैं। और हम लोगों को रास्ते में ही माता के दर्शन भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। हे माँ, जय माता दी। देवी आ रही है, साइड हो जाओ। माता रानी दर्शन कर लिया हमने तो। पता है टीके में फेस बहुत चमक रहा है मेरी, विनीति का देखो बहुत, हाँ ग्लो कर रहा है, मुझे तो सबका लग रहा है ग्लो ग्लोइंग। अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 4:35 और 4:35 पे हम लोग मंडल से वापस गौचर कर्णप्रयाग की तरफ निकल चुके हैं। हेलो, और आज का दिन 25 दिसंबर 2023 हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया, माता के दर्शन किए। कहते हैं शाम को वहाँ पे अभी जो है डोलियाँ जा रही हैं, तो डोलियों के भी दर्शन किए हमने। और अत्रिमुनि आश्रम गए, अत्रिमुनि आश्रम दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग उत्तराखंड आए तो एक बार अत्रिमुनि आश्रम जरूर आए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने महसूस किया था, इमेजिन किया था, उससे कहीं ज्यादा शांति संतुष्टि मुझे मिली आज माता के दर्शन करके। और आज का हमारा मतलब बुलावा रहा होगा तो हम लोग दर्शन करने के लिए आए। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ क्योंकि बैटरी फोन में बहुत कम है, 10% रह गई है। इसके साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ, सब थक गए हैं, ममता तो बहुत ज्यादा थक गई है, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, विनीति का भी बिजी है अभी फोटोज देखने में, और ममता और पूजा लगनी है, शरीर है, दर्द भी होना ही है, पर कोई बात नहीं, माता के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, वो बहुत बड़ी बात है, हमारा दिन अच्छा गया है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे और सभी को खुश रखे, जिसको जो भी चाहिए उसको उसकी लाइफ में वो मिले। इसी के साथ एक नई वीडियो की उम्मीद के साथ मिलती हूँ बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय करो सबके साथ, बाय बाय, इशू बाय, बाय भैया। चलो फिर, ओके दोस्तों, बाय।